बांसुर में लगातार गोलियां चली हैं, पर किसी एक गोली चलाने वाले को आज तक नहीं पकड़ा गया। अभी बांसुर के एक प्रमुख व्यापारी को धमकी मिली है कि 90-50 लाख दे दो, वरना तो तुम्हारे सबको खत्म कर दिया जाएगा, और फायर करके वार्निंग भी दी है। ये दिन दहाड़े ये इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और यहाँ की जो विधायक मंत्री भी है वो आराम से अपना दौरा में व्यस्त है, अपना कार्यक्रमों में व्यस्त है, उनको जू नहीं रेंग रही। वो समझती है कि यहाँ की जनता दो दिन में भूल जाती है, और इसलिए कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। मंत्री का ध्यान केवल एक ही तरफ है, खेचो अभियान में मंत्री महोदय लगी हुई है। और मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा कि जितने भी अधिकारी हैं, एक आध अधिकारी को छोड़ करके मैं समझता हूं कि ज्यादातर मंथली सिस्टम है, और वो मंथली सरकार तक जाती है। ये दुर्घटना बहुत ही शर्मनाक है, और राज्य के लिए मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा कोई डूब कर मरने की बात नहीं। अगर शकुंतला में जरा भी ताकत है, जरा भी जनहित की सोचती है, जनता का बचाव चाहती है, तो इसकी आज से यही धरना दे के बैठ जाए कि मैं यहाँ से जब जाऊंगी, जब जब इस तरह की घटना का कृत्य करने वाले को गिरफ्तार नहीं हो जाए, क्यों नहीं बैठ जाती। ऐसे कई लोग हैं, मुख्यमंत्री है वो, जो ऐसी बात के लिए अडिग होते हैं और गिरफ्तार कराते हैं। तो यहाँ तो अंधेरी नगरी चौपट राजा है, ना जनता में जोश है। मैं कहता हूँ कि अगर ये धनी जिनके साथ ये घटना हुई, आज उनकी शकुंतला जब यहाँ आए तो उसके घेराव करे और उससे सवाल करे, पर उनके आगे तो कोई बोलता ही नहीं, उनसे तो डरता है। जो जिस जो क्षेत्र के एमएलए से जनता डरे, उस एमएलए का व्यवहार आप जानते हो कैसा होगा। वो सोचती है गिरफ्तार करा दे, जनता का कोई आदमी नजदीक ही नहीं जाता। बहुत बुरी स्थिति है बांसुर की। मैं इससे निजात पाने के लिए लोगों को खूब तैयार करता हूं, पर लोग डर के से भयभीत हैं, कोई जाता ही नहीं। आज अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है, जो मंत्री जी का आदेश होता है वो ही अधिकारी करते हैं। इफ करना बटकर शकुंतला रावत कैसो झटकर, ये फार्मूला है। इफ करना बटकर एसडीओ को, डीवाईएसपी को, अधिकारियों को शकुंतला ने यह कह रखा है, ना इफ कर ना बटकर, मैं कहूं सो झटकर। ये है।